नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट। पापड़ी के लिए आप इसे घर में भी बना सकते हैं, मैदे की अजवाइन डाल के, या रेडीमेड भी ले सकते हैं। पहले सबसे पहले हम पापड़ी लेंगे और उसको एक प्लेट में इस तरह से बिछा देंगे पूरा। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने उबाल लिए हैं। आलू को हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह क्रश करके डालते जाएंगे। इस तरह आलू डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक काट लिया है। प्याज आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप डालना चाहें तो डालिए, ना डालना चाहें तो ना डालें। अब हम इसमें डालेंगे फेटा हुआ दही। अब हम डालेंगे नमक। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ग्रीन चटनी, जो मैंने आम, पुदीने और धनिया से बनाई है। स्नेहा की रसोई में आप देख सकते हैं। अब डालूंगी मैं सेव, ये आप घर में भी बना सकते हैं, घर का बना हुआ है, चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं रेड चटनी, जो कि टमाटर से बनी हुई है। आप टमाटर की सॉस या केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके स्वाद पे है। अब मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, ये आप जैसा चाहें, तीखा चाहें तो ज़्यादा डालिए, कम डालिए, मत डालिए, ये सब आपके स्वाद पे निर्भर है, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ है, आप जैसा चाहें तीखा मीठा बना सकते हैं। अब हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब मैं इसमें डालूंगी चाट की रानी, चटनियों की रानी, इमली की चटनी, ये भी मैंने घर में बनाई है, आप चाहें तो आजकल रेडीमेड भी उपलब्ध है, ले सकते हैं। अब ये चाट है तो बिना चाट के मसाले के भला कैसे कंप्लीट होगी, तो आखिरी में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जो इसके स्वाद को चार चांद लगा देगा और आप भूल जाएंगे कि ये घर की चाट है। आपको लगेगा ये हम रेडीमेड चाट खा रहे हैं ठेले पे। अब हम फाइनल डालेंगे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ। वाह, क्या खूबसूरत, सफ़ेद, लाल, हरे, सारे कलर इस चाट में आ गए हैं। मुंह में पानी भर रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। देर किस बात की, आप बनाइए, खाइए और इस चाट का आनंद लीजिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कृपया शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।